वेल हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई नो कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रही है क्योंकि एनिमेटेड अपडेट बहुत ही कम आ रही है, तो इसलिए वीडियो लेट है। बट अब वीडियो आ चुकी है। तो आज की वीडियो में मेरे पास तुम लोगों के लिए एनिमेटेड बहुत सारे न्यूज़ और अपडेट है। तो तुमको क्या करना है, हमेशा की तरह इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक, और लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो ताकि फ्यूचर में तुमको ऐसी एनिमेटेड अपडेट और न्यूज़ मिलती रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर से फॉलो कर लेना, लिंक इन अ डिस्क्रिप्शन। सो विद वेस्टिंग टाइम चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सो गाइस, हमारी पहली अपडेट आ रही है सुपर शीरो के एपिसोड को लेकर। सो फाइनली गुड न्यूज़, क्योंकि फाइनली सुपर शीरो आ चुका है इंडिया में। इससे पहले ये शो पाकिस्तान, यूएसए, अलग अलग कंट्री में आ चुका है, और अब फाइनली ये शो इंडिया में बहुत ही जल्द आने वाला है, मतलब आ ही चुका है। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये न्यूज़ कोई प्रेडिक्शन या फेक न्यूज़ नहीं है, ये न्यूज़ पूरी तरह से कन्फर्म है। और अगर तुम लोगों को प्रूफ चाहिए तो फेसबुक में जाओ, सर्च करो कार्टून नेटवर्क एशिया, और सर्च करने के बाद एक लोगो पे कार्टून नेटवर्क इंडिया होगा। वहाँ पर जाने के बाद तुम लोगों को उनका बैनर देखेगा, और इस बैनर में ग्रीजी शो, लैम्पंट, टॉम एंड जेरी, और सामने है सुपर शीरो शो। और यहाँ हमें देखने को मिल रहा है 22 फरवरी मंडे टू फ्राइडे दोपहर के 2:30 बजे। यानी कि ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है गाइज, और अब ये पूरी तरह से कन्फर्म हो चुका है कि सुपर शीरो शो हमें देखने को मिलेगा। वेल, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। और अगर इस शो के कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो इस शो में शिनचैन का जो कुत्ता होता है उसके एडवेंचर दिखाए गए हैं। और इसको लेकर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अभी भी सामने आता है कि क्या ये हिंदी डब वॉइस शो होगा, मतलब जैसे कि टॉम एंड जेरी का शो होता है वैसा आने वाला है, या फिर ये एक साइलेंट शो होगा। वेल, ये बात तो हमें प्रोमो में ही पता चल जाएगा, बट ये न्यूज़ तो पूरी तरह से कन्फर्म हो चुकी है, और शायद कुछ दिनों में हमें इसका प्रोमो भी देखने को मिल जाएगा। वेल, 3 साल बाद कार्टून नेटवर्क पे फिर से कोई एनिमे आने वाला है। आखिरी जो एनिमे कार्टून नेटवर्क पे आया था वो था ड्रैगन बॉल सुपर। वेल, देखते हैं कि आगे क्या होता है, बट ये तो मानना होगा कि ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो हमारी नेक्स्ट अपडेट आ रही है बेंटन क्लासिक को लेकर। तो जैसे कि तुम सबको पता है कि हाल ही में कार्टून नेटवर्क ने ब्लॉकबस्टर, मतलब बेंटन ब्लॉकबस्टर स्टार्ट किया है, और रियली इस प्रोमो को देखने के बाद हमें लगा कि सीएन वाले बेंटन क्लासिक के एपिसोड वापस से लाने वाले हैं। बट उसके बाद हमें ये पता चला कि एक्चुअली बेंटन ब्लॉकबस्टर में बेंटन की लाइव एक्शन मूवीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो जस्ट परसों को जब मैं कार्टून नेटवर्क का शेड्यूल चेक कर रहा था, मैं देख रहा था कि आज हमें क्या देखने को मिलने वाला है, तो मैंने देखा कि आज शाम के 5:30 बजे बेंटन रेस अगेंस्ट लाइव एक्शन मूवी आने वाली है। फिर मैंने सोचा कि क्या यार, इस मूवी को तो मैं ऑलरेडी बहुत बार देख चुका हूँ, बट जब मैंने कार्टून नेटवर्क देखा तब मैं पूरी तरह से शॉक हो गया, क्योंकि कार्टून नेटवर्क पर बेंटन क्लासिक के एपिसोड आ रहे थे, और रियली ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था। हालांकि कार्टून नेटवर्क ने जो बेंटन के एपिसोड दिखाए वो काफ़ी ज़्यादा स्किप हुए थे, मतलब एक एपिसोड दिखाने के बाद उसके आगे के 5 या 10 एपिसोड बिना दिखाए उसको स्किप करके कोई और ही एपिसोड दिखाए रहे थे, और जो एपिसोड हमको देखने को मिले वो काफ़ी ज़्यादा कट हुए थे, मतलब अगर कोई एपिसोड 15 मिनट का है उसको 10 मिनट में ही निपटा दिया गया। बट ये देखकर अच्छा लग रहा है कि कार्टून नेटवर्क बेंटन क्लासिक पर भी ध्यान दे रहे हैं, बट अगर वो लोग अच्छे से प्रोमो दिखाए तो हम ऑडियंस के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और क्योंकि आजकल का जो शेड्यूल है वो पूरी तरह से ख़राब है, मतलब ग्लिच आता है, कुछ भी हो जाता है, मतलब पता नहीं क्या है, तो सीएन कभी भी कुछ भी दिखा सकती है। तो इसलिए गाइस मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ कि हमेशा कार्टून नेटवर्क को चेक करते रहो, क्योंकि कभी भी कुछ भी देखने को मिल सकता है। वो देखते हैं कि आगे क्या होता है, और क्या कार्टून नेटवर्क हमें बेंटन क्लासिक दिखाएंगे या फिर नहीं। नहीं। तो हमारी नेक्स्ट और फाइनल अपडेट आ रही है बेंटन की न्यू मूवीज़ को लेकर।
तो बेंटन की जो तीन मूवीज आने वाली है, मतलब उनका प्रोडक्शन, मतलब एक मूवी को बनाने के लिए जितने भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, बस डबिंग बाकी है। तो हाल ही में एक इंटरव्यू में एक स्पेनिश के बेंटन वॉइस एक्टर ने उन्होंने एक बहुत बड़ी भयानक स्पॉइलर दे दिया, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू में कहा, इंटरव्यू में उन वॉइस एक्टर ने बेंटन की आने वाली तीन मूवीज़ के नाम यानी कि टाइटल पूरी तरह से बता दिए। और बेंटन की जो पहली मूवी आने वाली है उसका नाम है बेंटन मूवी एलियन एक्स। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस मूवी में हमें एलियन एक्स की प्रजाति के रिलेटेड कुछ देखने को मिल सकता है, या फिर इस मूवी में एलियन एक्स की स्टोरी भी देखने को मिल सकती है। और बेंटन की दूसरी मूवी का नाम है बेंटन जेन 10, और इस मूवी में शायद हमें जेनरेशन एक्स 10 और बेंटन दोनों एक साथ देखने को मिल सकते हैं। और आखिरी जो मूवी है वो है बेंटन 10,000, और इस मूवी में हमें बेंटन यानी कि बड़े बेन की स्टोरी भी देखने को मिल सकती है। बट अभी ये क्वेश्चन है कि क्या ये मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाला है या फिर कुछ अलग तरह से होगा, वेल देखते हैं कि आगे क्या होता है। बट इतनी तो गारंटी है कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड देखते हैं कि आगे क्या होता है बेंटन की न्यू मूवीज़, न्यू एपिसोड या फिर जो भी है, आगे देखते हैं क्या होता है। सो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, और हाँ वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। कमेंट में बताना तुम लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, और हाँ मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर से फॉलो कर लेना। या तुम लोग फॉलो बिल्कुल नहीं करते तो जाओ जाके फॉलो कर लो, लिंक इन अ डिस्क्रिप्शन। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंड एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।